नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ के गन्ना संस्थान में आयोजित स्वर्णकार सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है और अब सरकारी योजनाओं का लाभ किसी की जाति और धर्म देखकर नहीं दिया जाता और इसलिए 2022 के चुनाव में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। अमरोहा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर अमरोहा पहुंचे। यहां शिवपाल यादव ने अमरोहा नगर की हजरत दरगाह पर चादर पोशी की, साथ ही 2022 के चुनाव में विजय की दुआ मांगी है। वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि इस बार चुनाव में बीजेपी को सत्ता से जाना ही होगा। यहां पर शिवपाल यादव चादरपोशी करते हुए नजर आए और साफ तौर पर उन्होंने अपनी ताजपोशी के लिए दुआ मांगी है और साफ तौर पर कहा है कि हम लगातार विकास करेंगे और बीजेपी को किसी भी तरीके से सत्ता से हटाना है। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा धर्मनगरी चित्रकूट पहुंची, जहां पर प्रतिज्ञा यात्रा का कांग्रेसियों ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया। इस प्रतिज्ञा यात्रा में आए पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य सहित कई बड़े नेता शामिल रहे, जिन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी की ओर से ली गई प्रतिज्ञा के बारे में लोगों को जागरूक कर उनसे कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की है। चित्रकूट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जनता से कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। हम कहते नहीं हैं, हम अमल करते हैं। अगर कहते हैं तो उनको लागू करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अगर बनी, ये प्रतिज्ञा हम लेके आए हैं और ये प्रतिज्ञा रथ इसलिए चला रहे हैं कि वो कन्याओं को देंगे, महिलाओं को दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। मेन बात क्या है कि सवाल ये पैदा होता है, कन्याओं को हम देंगे सरकार बनने के बाद? आप कहेंगे भाई सब लोग घोषणा कर देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, तो ये भाजपा का काम है। ये जो घोषणा मंत्री बैठे हुए हैं ये भाजपा का काम है। हम आपके सामने मिसाल दे रहे हैं कि ये हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार है, छत्तीसगढ़ में किसानों को 25 रुपए कुंटल गेहूँ के रेट और 25 रुपए कुंटल धान के रेट दिए जा रहे हैं। यहाँ पर एक अन्ना प्रथा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान पाकिस्तान की जीत मनाने को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि भारत का खाकर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये सरकार ऐसे लोगों को नहीं बख्शेगी जो कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। आपको बता दें कि बीते रविवार को T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। इसके बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसे देशद्रोहियों के चेहरे सामने आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सहारा लेकर जिंदाबाद के नारे लगाए और इसके अलावा तमाम पोस्ट भी वायरल की है। इसको लेकर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। देखिए, भारत की धरती पर रह करके, भारत का अनाज खा करके, भारत के वस्त्र पहन करके, भारत की खुली हवा में सांस लेकर के, भारत की आजादी को एंजॉय करके अगर कोई भारत की धरती पर पाकिस्तान का नारा लगाएगा तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और ये अब पिछली सरकारों जैसा नहीं है जहां तुष्टिकरण की आड़ में कुछ भी बर्दाश्त किया जाए। अगर आप देश विरोधी बातें करेंगे तो कठोरता से कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर चुनौती बनेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरुद्ध भी किए जाएंगे। इन दिनों दिल्ली NCR समेत यूपी के कई जिले डेंगू की चपेट में हैं। वहीं गाजियाबाद में भी लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं जिसके चलते अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं गाजियाबाद के MMG अस्पताल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहां सरकारी MMG अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने से सभी बेड भरे हुए हैं। वहीं डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए
एमएमजी अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनुराग भार्गव का कहना है कि हमने असल लगातार कोशिश की है और अलग से भी हम कई बड़े बेड की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो अस्पतालों में मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अलग से भी व्यवस्था की जा रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है उनके लिए बेड की व्यवस्था हो और उन्हें उचित इलाज मिल सके। वैसे तो हमारे यहाँ 166 बेड हैं लेकिन इस समय 200 बेड पे हम ऑपरेट कर रहे हैं और 30 बेड हमने डेंगू के बनाए हुए हैं। अभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा किसी बेड की कमी पड़ी हो, लेकिन क्योंकि सिस्टम है ये कि पहले ट्राई एज एरिया में जाता है, फिर जब उसका कोरोना टेस्ट हो जाता है तभी वो वार्ड में जाता है, तो इसलिए हो सकता है एक दो घंटे की कोई दिक्कत हो रही हो। वैसे हम लोग जब भी कोई मरीज आता है तो उसके 5 जाँचें कराते हैं, कॉमन ब्लड काउंट करा लेते हैं, मलेरिया करा लेते हैं, टाइफाइड करा लेते हैं, डेंगू कराते हैं और कोविड करा लेते हैं, और जो भी बीमारी मरीज को होती है बुखार से संबंधित वो साफ बिल्कुल सामने आ जाती है और उसका ट्रीटमेंट होता है। हर तरह की सारी दवाइयां उपलब्ध हैं और सारे बेड्स उपलब्ध हैं, स्टाफ पूरा है, चाक चौबस्त है, हर आदमी मरीजों की सेवा कर रहा है। हमीरपुर में राज्य कर्मचारियों की ओर से संयुक्त धरना प्रदर्शन किया गया जहां 1000 से ज्यादा राज्य कर्मचारी धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित डीएम को मामले में ज्ञापन भी सौंपा है। हमीरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर राज्य कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, कई दिनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राज्य कर्मचारियों की ओर से संयुक्त धरना प्रदर्शन किया गया है जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां 1000 से ज्यादा राज्य कर्मचारी धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे हुए हैं। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित कर डीएम को मामले में ज्ञापन भी सौंपा है। तो हमीरपुर की तस्वीरें जहाँ पर राज्य कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका ये प्रदर्शन ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। हमीरपुर की राठ तहसील क्षेत्र के झीनावीरा गांव में सृजन एक सोच संस्था की मोबाइल एम्बुलेंस पहुंची जहां लगभग 100 मरीजों का उपचार किया गया, साथ ही उनको मुफ्त दवाएं बांटी गई। बता दें कि सृजन एक सोच संस्था शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में निःशुल्क सेवाएं देती है। हमीरपुर की तस्वीरें, लोगों को मुफ्त में दवाइयां बांटी गई हैं। दरअसल संस्था की तरफ से यहां पर लोगों को मुफ्त में दवाइयां जो भी उपचार है वो दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हमीरपुर की राठ तहसील ये बताई जा रही है जहाँ का झीनावीरा गाँव है। सृजन एक सोच संस्था की मोबाइल एम्बुलेंस यहां पहुंची, लगभग 100 मरीजों का इलाज मुफ्त में किया गया, साथ ही उनको दवाइयां भी बांटी गई हैं। बता दें कि सृजन एक सोच संस्था शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार को निशुल्क सेवाएं देती हुई नजर आती हैं। महंगाई की मार से पूरा देश परेशान है, वहीं सरकारी स्कूल भी इससे छूटा नहीं है। बता दें कि कानपुर देहात के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर भी महंगाई की मार का असर दिख रहा है। बता दें कि मध्याह्न भोजन योजना, जहां एक तरफ सरकार की ओर से जूनियर और प्राथमिक विद्यालयों के भोजन को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराती है, तो वहीं महंगाई के चलते स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील की रसोई खाली होती जा रही है। इस महंगाई के दौर में बच्चों के लिए भी पोषक भोजन दे पाना अब स्कूलों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। कानपुर देहात की तस्वीरें, महंगाई की मार पहले तो आम जनता ही झेल रही थी लेकिन अब मासूम बच्चे भी झेलते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे जिन्हें मिड डे मील दिया जाता है लेकिन महंगाई के दौर में पौष्टिक आहार उन्हें नहीं मिल पा रहा है। दरअसल महंगाई की मार से पूरा देश परेशान है, तो वहीं सरकारी स्कूल भी अब परेशान नजर आ रहे हैं। कानपुर देहात के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर महंगाई की मार का असर दिख रहा है। यहाँ पर जो योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है जूनियर और प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों का दोपहर का भोजन उपलब्ध कराती है, तो वहीं महंगाई के चलते स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील की रसोई खाली हो रही है। इस महंगाई के दौर में बच्चों के लिए भी पोषक भोजन दे पाना स्कूलों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बनता जा रहा है। MDM का अब नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। पूर्व में निर्धारित धनराशि के अनुसार
जूनियर की 7 रुपये 45 पैसे और प्राइमरी की 4 रुपये कुछ पैसे थी, जिसमें उस समय 650 रुपये में सिलेंडर और 80-85 रुपये में तेल, 80 रुपये में दाल और तमाम तरह के सब्जियां सस्ती हुआ करती थी। लॉकडाउन के पश्चात ये सभी चीज़ें महंगी हो गई हैं। सिलेंडर 950 रुपये में मिल रहा है। प्रॉब्लम तो बहुत होती है, जो भी हम लोगों को कन्वर्जन कॉस्ट मिली हुई है उसमें प्रैक्टिकली बच्चों को उनकी प्लेट्स में वो क्वालिटी ऑफ फूड लाना मतलब जस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि चावल दाल या सिर्फ सब्जियों की बात करें जिसमें हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि दाल और सब्जियां बहुत उसमें एम्पल मात्रा में होनी चाहिए, लेकिन उसमें टमाटर ही अगर एग्जांपल लें तो 120 रुपये किलो है और इतने बच्चे ऑलमोस्ट 301 एनरोल्ड हैं जिसमें 250-250 तो मिनिमम आ ही जाते हैं। मिड डे मील मध्यान्ह भोजन में इसका असर नहीं पड़ रहा है। सरकार हमारी पर्याप्त मात्रा में कन्वर्जन मनी, गेहूँ चावल और फल के लिए भी अतिरिक्त पैसा देती है बच्चों का, इससे मेरे हिसाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7 रुपये 45 पैसे प्रति बच्चा जूनियर के हिसाब से कन्वर्जन मनी मिलती है और 4 रुपये 97 पैसा प्रति बच्चा प्राइमरी के हिसाब से कन्वर्जन मनी मिलती है। महंगाई की मार अब सरकारी स्कूल भी झेलते हुए नजर आ रहे हैं। बस्ती शहर का एकमात्र महिला पीजी कॉलेज वित्तीय अनियमितता की वजह से चर्चा में है। यहां यूजीसी से आए लाखों के फंड को विद्यालय प्रशासक हड़प कर गए। वहीं अब इसकी शिकायत बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने सीएम को पत्र लिखकर की है। इसके साथ ही मामले में विधानसभा में भी विधायक ने विद्यालय के इस घोटाले को लेकर सवाल उठाए और पूरे मामले की जांच की मांग की है। तो बस्ती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, लाखों के फंड को विद्यालय प्रशासन जो है वो पूरी तरह से हड़प कर गया है, जिसको लेकर अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की चर्चाएं जोरों पर हैं। बस्ती का ये पूरा मामला है जहां एकमात्र महिला पीजी कॉलेज वित्तीय अनियमितता की वजह से चर्चा में है। यहां यूजीसी से आए लाखों के फंड को स्कूल प्रशासन ने हड़प कर लिया। वहीं अब इसकी शिकायत बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने सीएम को पत्र लिखकर की है। इसके साथ ही मामले विधानसभा में भी विधायक ने विद्यालय के इस घोटाले को लेकर सवाल उठाए हैं और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। बस ये तब मुझे तब पता चला जब ये प्रश्न उठाया गया विधानसभा में संजय प्रताप जायसवाल द्वारा, ये 2290 और 6.5 लाख का घपला है इसमें, बिना कोटेशन के, बिना निविदा के जो भी काम हुआ है वो बिना कोटेशन बिना निविदा के, जिससे कि मतलब स्थितियां थोड़ी सी गंभीर हो गई हैं और जांच वगैरह होना सुनिश्चित हुआ है। स्कूल का देख रहे हैं साफ सफाई किस तरीके से, कोई रिपोर्ट SIT की जाँच हुई ही नहीं, SIT की जाँच ही नहीं हुई। डिमांड तो हमने किया था मगर कोई जाँच नहीं, मतलब कोई उसमें कार्य नहीं हुआ। की शिकायत थी वहाँ पे, जो भी शिकायत उस संदर्भ में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और मुझे पूरा भरोसा है कि उस पर कार्रवाई होगी। उसमें विधानसभा में सवाल भी लगा था और सवाल के माध्यम से इस पर जाँच चल रही है। जो दोषी है उन पर गमन का आरोप है और इसमें मुकदमा पंजीकृत होगा, उनसे रिकवरी होगी। एक ये यूजीसी का जो घोटाला हुआ है 29 लाख का, एक 22 लाख कुछ हज़ार का है, एक 6 लाख 90 हज़ार समथिंग का है। इसका जो घोटाला हुआ है इसका समायोजन अभी तक नहीं किया गया है। 2009-10 में ये पैसा आया हुआ था और इस पैसे के लिए प्रिंसिपल से लेकर के और हमने निदेशालय तक सारी शिकायतें की, लेकिन अभी तक उसके लिए हमको कोई जवाब नहीं मिला। फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र में सार्फा व्यवसायी से नकाबपोश बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि व्यापारी मनावा गांव से दुकान बंद करके वापस आ रहा था कि तभी कोंडर मोड़ के पास बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने लाखों की नकदी जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। वह इस लूट की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही पुलिस ने पीड़ित व्यापारी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। फतेहपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर एक बार फिर से सीधे तौर पर पुलिस को बदमाशों ने चुनौती दी है। बताया जा रहा है कि फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र में सार्फा व्यापारी से नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। 3 ये बदमाश बताए जा रहे हैं। इसके अलावा व्यापारी मनावा गांव से दुकान बंद करके वापस लौट रहा था कि तभी अचानक कोंडर मोड़ के पास बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाश आए, लाखों की नकदी जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। इस लूट की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। साथ ही पुलिस ने पीड़ित व्यापारी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है।
कल दिनांक 27/10/2021 को ब्रिजेश सोनी द्वारा थाना असोथर पर सूचना दिया गया कि 3 बदमाशों द्वारा इनका थैला छीन लिया गया है। सूचना लगभग घटना के 2.25 घंटे उपरांत दी गई थी। यह मूलतः बर्तन व्यवसायी हैं जो चुपके से आभूषणों का भी कारोबार करते हैं। इनके द्वारा बताया गया कि लगभग 4 माह पूर्व 400 ग्राम चांदी बिक्री के लिए लिया गया था। मनावा बाजार से जा रहे थे, हाँ, और काउंटर मोड़ के पास जो है 3 लोग आए और झोला छीन के भाग गए। आप क्या करते हैं? सोनाली के साथ दुकान है। तो आप कहाँ से जा रहे थे? घर जा रहे थे? मनावा से घर जा रहे थे। मनावा में क्या है दुकान? आपकी किस चीज़ की है दुकान? बर्तन की है, सोनाली की है। अच्छा, तो बैग में आपके क्या क्या था? सामान था साहब वहाँ पे। मथुरा के हाईवे स्थित राधा वैली के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक युवक का शव झाड़ियों पर पड़ा मिला। वहीं शव को देख वहां पर मौजूदा लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और युवक का जो शव है उसे कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। मथुरा में सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार रोडवेज बस स्कूल में जा घुसी। वहीं इस हादसे में बस की चपेट में आकर बाइक सवार समेत 3 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित बस स्कूल में जा घुसी। इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। नोएडा की आम्रपाली सेफायर सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स और एक रेजिडेंट के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई। वहीं देखते ही कहासुनी इतनी बढ़ गई कि सोसाइटी में तैनात दर्जनों गार्ड्स ने रेजिडेंट्स पर जमकर लाठी डंडे बरसा दिए। वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये युवक रेजिडेंस बताया जा रहा है। आसपास के जो गार्ड से मौके पर इकट्ठा हो गए और लाठी डंडों के साथ इसकी पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसका वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हुआ। वीडियो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से बुरी तरह से पीटा जा रहा है। पीलीभीत में पुलिस का एक सराहनीय कार्य सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार बीसलपुर सीओ के निर्देश में अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान में एक टीम का गठन किया गया। वहीं इस टीम ने चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस ने कुल 7 मोटरसाइकिल बरामद की है। तो पीलीभीत में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहाँ पर पुलिस ने 7 बाइक बरामद की है और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जो थाना देवरिया कला के एसओ और उनके टीम और एसओजी स्वाट टीम के द्वारा एक वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है प्रवीण पुत्र रामोतर, आशु पुत्र सुरेंद्र और विवेक परिहार, जिसमें विवेक परिहार उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। 7 मोटरसाइकिल की चोरियाँ जो FIR है पहले से दर्ज है, सबको कनेक्ट कर लिए गए हैं ट्रैक करके। इनसे और पूछताछ की जा रही है और ये ज्ञात हुआ इनके ही गैंग के सदस्य से पहले भी 4 मोटरसाइकिल पूरनपुर में रिकवर हो चुके हैं। इनको न्यायिक हिरासत तो भेजा जा रहा है। इनसे पूछताछ जो है पुलिस कस्टोडियल रिमांड लेके उनसे और भी पूछताछ की जाएगी और आगे भी मोटरसाइकिल चोरी के रिकवर करने की उम्मीद है। पीलीभीत में शहर के निजी विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें बांसुरी वादन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के जिलाधिकारी पुलकित खरे मौजूद रहे। वहीं स्कूल के वार्षिकोत्सव में सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। पीलीभीत की तस्वीरें। कार्यक्रम में DM मौके पर मौजूद रहे। बांसुरी वादन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था।
तो तस्वीरें आप देख रहे हैं पीलीभीत की, जहां पर विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया जिसमें बांसुरी वादन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के जिलाधिकारी पुलकित खरे मौजूद रहे। वहीं विद्यालय के वार्षिकोत्सव में सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। बांसुरी नगरी पीलीभीत का ये सौभाग्य है कि आज यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर कलाकार, न केवल प्रदेश के बल्कि विश्वविख्यात ख्याति वाले प्रसन्ना जी और उनकी पूरी टीम काशी से यहाँ आए थे और उनके द्वारा यहाँ पे बच्चों को प्रेरित करते हुए है एक कार्यक्रम जो आयोजित करा गया है। बच्चों को काफ़ी प्रेरणा मिली उससे, संगीत के प्रति जिन बच्चों में रुझान है उनके लिए ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। प्रशासन भी पूरी कोशिश करेगा कि इस तरह के कार्यक्रम हों जिससे संगीत के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। शहर के धीमनपुरा रोड स्थित पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति ने पेट्रोल दिए जाने में खटतौली किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, जिसे देख मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं पीड़ित व्यक्ति ने जब इस मामले में बाट और माप तोल विभाग के अधिकारियों को फोन किया तो उन्होंने खुद को मेरठ में बताकर पल्ला झाड़ लिया। वहीं घंटों तक चले इस हंगामे के बाद किसी तरह मामला शांत हो पाया है। पचास ml कम है लीटर पर, सो ml हो गया। कहाँ पर है पेट्रोल पंप? है जी, कहाँ पर है ये? दीवानपुरे में है जी। अच्छा, आपने इसकी शिकायत वगैरह करी कहीं पर? नहीं, कहीं नहीं करी, पता है भैया। पेट्रोल कब डलवाया था आपने? अभी ये बात जो चली करीब अब 7 घंटे हो गया। अच्छा, 30 मिनट में जाए, 10 मिनट में वापसी आ लिया मैं तो। कितनी घटतौली है इस पेट्रोल, मतलब पेट्रोल पंप पे? इसमें आधे लीटर पे 50 ml है। अच्छा, तो आपने शिकायत वगैरह मालिक को करी इसकी? मालिक यहाँ तो है ही नहीं, अब तो मालिक का पता नहीं ना कर रहे हैं। अच्छा, अरे ये सब जो लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, मालिक साहब हैं। क्या हुआ यहाँ भैया? यहाँ पे जो है सेलमैन ने, आपने कहा कि मैं तेल चेक कर लूँ, नाप में सेलमैन ने गलती ये करी कि वो नाप जो अंदर से डेंस की वाला जाओ खिलाया, उसे लाना चाहिए था नाप वाला पमाइत माप, बस इतना फर्क है। एक लीटर पे 100 ग्राम बता रहे हैं, आरोप लग रहा है यहाँ पर, हंगामा हुआ है पेट्रोल पंप पर। मैं अभी वही कह रहा, आप एक लीटर का नाप लो, उसे चेक कर लो, कम होगा तो हंगामा करने की बात है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।